झरिया अंतर्गत फतेहपुर भाजपा कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 7वां वर्ष कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर धनबाद महानगर ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष शैलेश सिंह चंद्रवंशी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह उपस्थित थे एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया एवं प्रधानमंत्री जी के कार्यों का विस्तार रूप से व्याख्यान किए और बोले कि भारत में कई गाँव बिजली से वंचित था, वहां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुफ्त बिजली मिला और 2024 तक सभी गरीब को मकान उपलब्ध कराया जाएगा और विपक्ष के द्वारा वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराया गया, जिसका गलत अफवाह उड़ाकर लोगों को दिग्भ्रमित कर दिए, जिसके कारण आज भी गांव देहात में वैक्सीन लेने से लोग वंचित हैं। रक्तदान शिविर का उद्देश्य है कि गरीब को समय पर निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि गरीब लोगों को आसान तरीके से सुविधा उपलब्ध हो सके। और 7 वर्ष पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोई जश्न नहीं मनाया, बल्कि इस अवसर को कोरोना के कालखंड में सेवा करने का संकल्प लिया और उसी के तहत कल गांव में भी जाकर भारतीय जनता पार्टी जगह जगह सेवा दिवस मनाने का काम किया। उसके दूसरे चरण में हमारे सभी मोर्चा के लोग रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ झरिया में भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला पिछड़ी जाति मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जरूरतमंद लोगों को रक्त यहाँ से संचय कर उन्हें देने का काम पिछड़ी जाति मोर्चा के द्वारा होगा। निश्चित रूप से जो हमारा चल रहा है कार्यक्रम, उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में यह रक्तदान शिविर भी है और झारखंड में 2000 स्थानों पर यह रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। सेवा ही संगठन है, हम सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी सेवा जनता की सेवा करती है और उसके माध्यम से यह आज की आवश्यकता भी थी, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से कोरोना चल रहा है और कोरोना के समय आप जानते हैं कि मेडिकल एड के बिना बहुत से लोग हमसे जुदा हो गए, हम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो और इसीलिए 1 वर्ष के कालखंड में कोरोना से लड़ने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले दवा यहाँ भारत में और 150 देशों को दवा देकर हम दुनिया में मानवता की रक्षा की। फिर यहाँ वैक्सीन बना और वैक्सीन का आविष्कार कहिए कि भारत ने किया और उसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं किया, लेकिन उस वैक्सीन के खिलाफ कांग्रेस के लोग और विपक्षी पार्टियों ने जनता में भ्रम पैदा कर दिया कि इस वैक्सीन से जान जा सकती है और इसीलिए अभी भी एक तो जितने वैक्सीन की आवश्यकता इस प्रचार से लोग भयभीत हो गए और आज भी गांव देहात में वैक्सीन लेने में कतरा रहे हैं। निश्चित रूप से कोरोना की लड़ाई में देश के 80 करोड़ लोग को जीवन की रक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोजन की व्यवस्था कर किया।
अन्यथा यह रोग से लोग दुनिया से चले जाते और दूसरी तरफ भुखमरी से चले जाते। लेकिन मानो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि एक भी व्यक्ति इस देश में भूखो नहीं मरे, उसके लिए व्यवस्था करने का काम किए। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067।